टॉपिक फॉर टुडे इज डेवलपमेंट। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग सेशन। आवर टॉपिक फॉर टुडे इज डेवलपमेंट, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज डेवलपमेंट? एक्चुअली डेवलपमेंट रेफर्स टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर रिसोर्सेज, योर इनकम, योर इंफ्रास्ट्रक्चर, योर अदर फैसिलिटी, दीज आर नोन एज डेवलपमेंट। रिमेंबर वन थिंग, देर इज ए मार्जिनल डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डियर स्टूडेंट, देर आर टू वर्ड्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बोथ आर कोरिलेटेड विथ डेवलपमेंट। ओके, द डेवलपमेंट रेफर्स टू द टू वर्ड्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देर आर सो मेनी इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लाइक योर इनकम, लाइक योर इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक योर सोशल स्ट्रक्चर, लाइक other facilities like education, health facility, all of these. Okay, but if the improvements found in only and only in income sector, it means there is a concept of economic growth. Overall improvement is known as economic development. Dear student, development के बहुत तरह के पैमाने हैं। अगर आपके शिक्षा में विकास होता है, अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप होते चले जाते हैं, अगर आपकी सारी फैसिलिटी बढ़ती है, आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, तो इसको हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन सब में विकास नहीं होके, सब में इंप्रूवमेंट नहीं होके, केवल आपका इनकम अगर बढ़ जाता है तो वो कहलाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। डियर स्टूडेंट, यू मस्ट रिमेंबर दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ओवरऑल कॉन्सेप्ट, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए स्मॉल कॉन्सेप्ट। दिस इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का आना जरूरी है, और ये दोनों इंटर रिलेटेड है। अब हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट की। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द ग्रेट इकोनॉमिस्ट हैरोल्ड डॉमर, माल्थस, केन्स एंड मार्शल्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए आइडिया। यह डेवलपमेंट जो होता है वो एक आइडिया है, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आइडियोलॉजी है। अभी कोई इंडिविजुअल है, उसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के गोल्स अलग हैं, कुछ गवर्नमेंट हैं उनके लिए इकोनॉमिक गोल्स अलग हैं। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स हैविंग देयर ओन डिफरेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंटल गोल। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। हियर गोल ऑफ डेवलपमेंट, वी कैन क्लासीफाई द गोल्स एमंग टू पार्ट्स, इंडिविजुअल इकोनॉमिक गोल्स एंड नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंटल गोल्स। अब एक इंडिविजुअल का गोल क्या होता है, उसका सक्सेस क्या होता है? अगर एक स्टूडेंट है, उसको अगर अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं तो उसको लगता है उसका डेवलपमेंट हो रहा है। एक अनएम्प्लॉयड को अगर एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है तो उसको लगता है उसका डेवलपमेंट हो रहा है। एक पुअर को अगर बहुत सारा पैसा मिल जाता है तो उसको लगता है कि डेवलपमेंट हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट होता है वो किसी दूसरे इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। अभी चोर को लगता है कि वो ज़्यादा चोरी कर सके तो डेवलपमेंट हो रहा है, और पुलिस को लगता है कि वो चोर को जल्दी से पकड़ सके तो डेवलपमेंट हो रहा है। इट मीन्स ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स हैविंग देयर ओन डेवलपमेंटल गोल्स। तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे, कैसे काउंट करेंगे कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? तो इसके लिए हमको कुछ कॉमन डेवलपमेंटल गोल्स की जरूरत पड़ती है। अब जब कॉमन डेवलपमेंटल गोल्स की बात आ जाती है तो हो जाता है नेशनल डेवलपमेंट, कि कोई देश कैसे चाहता है उसका डेवलपमेंट हो, या किसी देश को कैसे पता चलेगा कि उसका डेवलपमेंट हो। तो नेशनल डेवलपमेंट के लिए एक कॉमन डेवलपमेंटल गोल चाहिए। तो नेशनल इनकम, और यू कैन से पर कैपिटा इनकम, और कैपिटा इनकम इज द कॉमन नेशनल गोल फॉर डेवलपमेंट। ओके, तो इस तरीके से किसी कंट्री का अगर नेशनल इनकम इंप्रूव कर रहा है, या किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम अगर इंप्रूव कर रहा है, तो उसको कहते हैं दिस इज द पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट। ओके डियर स्टूडेंट, तो इंडिविजुअल डेवलपमेंटल गोल्स और नेशनल डेवलपमेंटल गोल्स को आज हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज क्या होते हैं। आज तीन चार इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किया। पहला, व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट इज इंडिविजुअल गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, एंड व्हाट इज नेशनल गोल्स फॉर डेवलपमेंट। डियर स्टूडेंट, यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, डेवलपमेंट इज ए नेचुरल प्रोसेस, वी कांट डिस्ट्रॉय एंड वी कांट ऑर्गेनाइज द डेवलपमेंट। हम लोग डेवलपमेंट को कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते।
प्रोफेसर मार्शल का कहना था कि डेवलपमेंट एक नेचुरल फेनोमेना है, नेचुरल प्रोसेस है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ उसके जो वे हैं, वे ऑफ डेवलपमेंट, उसको इजियर बना सकते हैं, उसको फास्टर बना सकते हैं या उसको स्लो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।